गुरुग्राम में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम को लेकर वार्ड बंदी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसी ड्राफ्ट पर सवाल उठाते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि अनुसूचित जातियों को पिछली बार 6 सीट रिजर्व की गई थी, लेकिन इस ड्राफ्ट में केवल 3 सीट ही आरक्षित रखी गई है, जो सीधे तौर पर ये जाहिर करती है कि बीजेपी किस तरह से अनुसूचित जातियों के साथ धोखा कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल से गुहार लगाते हैं कि जिस तरह से पिछली दफा आरक्षित सीटों की संख्या 6 थी, इस बार भी उन्हें कम नहीं किया जाए। यदि सरकार इस पर किसी तरह से कोई निर्णय नहीं लेती तो चुनाव आयोग को इस बाबत शिकायत दी जाएगी और कोर्ट के दरवाजे तक भी आम आदमी पार्टी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आज पूरी तरह से सभी वर्गों को लेकर एक साथ चलती है और यही कारण है कि इस लड़ाई को आगे होकर वो लड़ रही है। बीजेपी की इसके पीछे यही मंशा है कि किसी तरह से चुनाव और पीछे टल सके और लोगों में असंतोष पैदा हो सके। जनता पार्टी का स्टूल का विरोधी चेहरा गुड़गांव में देखने को मिला। वैसे तो बहुत पुराने इनकी आरएसएस से लेकर आज तक की बात करें तो हमेशा इस बिरादरी को बराबरी का हिस्सा देने में हमेशा इन्होंने संकोच किया। हरियाणा के अंदर मैं विधानसभा की बात करूं, मैं लोकसभा की बात करूं, मैं नौकरियों की बात करूं, सब जगह लगभग 20% सीटें आरक्षित रहती हैं और गुड़गांव के अंदर भी, गुड़गांव नगर निगम के अंदर भी 35 वार्ड अभी तक होते रहे हैं और उसमें 6 सीटें आरक्षित होती रही हैं। 20% से मामूली सा कम शेयर रहा परंतु 6 सीटें आरक्षित होती रही हैं। परंतु अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने 35 की जगह 36 वार्ड नए बनाए और जो आरक्षित सीटें हैं 6 थी उनको 3 कर दिया गया। तो ये बहुत स्पष्ट है जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर एक बार आरक्षण खत्म करने के, आरक्षण को कम करने के जो सिस्टम इन्होंने बनाया था, तब समूचे विपक्ष ने इकट्ठा होके मजबूर किया था सरकार को, आज गुड़गांव के अंदर वो बात फिर दोहराई गई। गुड़गांव के अंदर सीटों को आधी करके वार्ड की एक सीट बढ़ाई 35 के 36 की और यहाँ पे 6 की जगह 3 सीटें आरक्षित करके भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया है कि वो बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व स्टूल कास्ट भाइयों का गुड़गांव नगर निगम के अंदर नहीं देना चाहती। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है और पुरजोर इसकी लड़ाई करेंगे। हमारे एससी विंग के प्रधान भागड़ी जी मेरे साथ में हैं और हमारे सारे लीडर्स मेरे साथ में हैं। इन सब ने मिलके एक मेमोरेंडम यहाँ पे उपायुक्त महोदय को भी दिया और मैंने एक पत्र चुनाव आयुक्त को भी लिखा कि ये जानबूझ के क्या, सुनिए मैं आपको बता दूँ, ये जो सीटें घटाई है ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के चुनाव को लेट कराना चाहती है ताकि एक बिरादरी उत्तेजित हो और वो कोर्ट में जा और समय पे चुनाव ना हो।